नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इसमें हम जनपद जौनपुर के गणेशपुर ग्राम सभा में हैं और आपको बता दें, कुछ समय से एक नीम के पेड़ में माता जी का निवास हुआ है, माता जी ने ही है, और जिसको आपको बता दें हमारे बीच में है, जिन्होंने राहुल शर्मा जिन्होंने पहली बार देखा और इनके सपने में आई थी माता जी, और आज इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, हमारा भी सभी भक्तजन के लिए मेरा प्रणाम है। ये मुझे पिछले महीने 19 तारीख को सपने में आया था जी, और 20 तारीख को मतलब कि सभी लोग आने लगे, देखें तभी से भीड़ लगने लगी। मतलब आपने जैसे कि वहाँ जो आकार निकला है, क्या ये ही अपने आपके सपने में आया था? जी, ये नहीं आया था, मेरे सपने में आया था। मैं जल छोड़ने जा रहा हूँ, भोलेनाथ के सपने देखा था। जी जी, तो आप मतलब भोले बाबा का सपना आया था? जी जी, बोले क्या बताया, मतलब सपने में? सपने में हमको ये आया था कि हम जल छोड़ने जा रहे हैं और मेरा जल जो है गिर जाता है। जी, और जल गिर जाता है तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा जल गिर गया है, कि मैं जल कैसे छोड़ूंगा। तो बगल में जो जा रहे थे वो बोले कि कोई बात नहीं, आप वैसे चलो। जी, तो हम बोले चलो अच्छी बात है, वैसे चलेंगे। तो मैं जब गया, जब करीब में पहुंचा तो हमको ऐसा लगा कि मेरा जल यहीं पर रुका हुआ है। जी जी, तो हमने फिर देखा, हमने कहा भाई जल तो मेरा यहीं पर है, गिरा तो नहीं है। बोले चलो अच्छी बात, भोलेनाथ आप तो खुश हैं, तो एक काम करो जल चलो चढ़ा दो मुझे। तो गया हमने, जल चढ़ाया और सुबह में उठा तो ये देवी माँ का ही नजारा हमको दिखा दिया। मतलब आपको ये सपने में नहीं दिखा? नहीं दिखा था। आपने जब सुबह सुबह में उठा तो मेरा मतलब की हमको ऐसा लगा कोई हमको मतलब वही हम वही गवे। मतलब आपका ध्यान सबसे पहले वहाँ गया? ध्यान, और हमको ऐसा लगा कि हमको कोई मतलब वहाँ खींच रहा है। अच्छा जी, तो मैं गया और ऐसा नजारा देखा, फिर हमने अपने सासू माँ बुलाया। जी, उसके बाद धीरे 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 गांव के लोग आए और मतलब कि सेवक वगैरह आए, देवी माँ का और माली जी आए, और ऐसे ऐसे मतलब कि इनकी जो है इस समय की ऐसा महिमा हो गया है कि देख रहे हैं आप कुछ जो है सर एक सरसों डालेंगे तो नीचे नहीं। लगातार मतलब भीड़ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जहाँ तक लोग देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और नवरात्रि है, 9 दिन की लगभग पूरा एकदम। जी जी, एकदम पूरा माता रानी की कृपा है। आप मतलब इसके विषय में और क्या कहना चाहते हैं कि मतलब ये एक चमत्कार है? जी जी, और ये यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है? जी जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भक्तजन जितने भी देख रहे हैं, सब आकर 9 दिन के नवरात्र में माता रानी के दर्शन करें और अपने मनोकामना पूरा करें। जी, तो ये जैसे कि ये शीतला माता जी है या विंध्याचल की देवी है, कैसा मतलब? जी, ये दोनों ही है। अच्छा जी, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि विंध्याचल की देवी ने दर्शन दिया था। दोनों लोग ही है। अच्छा जी, मतलब पूरी देवी का वास है इसमें। जी जी, इन्होंने ही सपने में अपने देखा था, जिसके द्वारा ये पूरा मूर्ति पूरी साक्षात देवी जी का दर्शन हुआ। बाकी यहाँ हमारे एक दादाजी भी हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। दादाजी, यहाँ कैसे आए आप? यहाँ मैं सुना था कि एक नीम के वृक्ष में एक आकृति बनी हुई है। अब पेड़ का स्वभाव होता है जो बनी है उसको लोग देवी स्वरूप मान बैठे। जी, मान्यता ही पहले से भारत देश में रही है, पत्थर की भी मूर्ति बनाई जाती है, वो भी एक आकृति ही होती है, उसकी पूजा होती है। तो हमारे देश में नीम का, बट का और बरगद का ये पूजा पहले से हुआ करती थी, हर कालों में आज भी हो रही है। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि लोग एक नीम वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे कहते भी हैं कि जैसे कि कैसे मतलब हम मान लें कि ये मान लेने की बात नहीं है। ये देखिए, पेड़ का प्रकृति का एक स्वभाव होता है सर, सही बात। वो प्रकृति के स्वभाव के अनुसार वहाँ एक कटा हुआ प्लेस था, जिसके बाद प्रकृति का स्वभाव होता है, पेड़ों का स्वभाव होता है कि वो धीरे धीरे अपने घाव को पूजने के भरने के लिए वहाँ से हड्डियाँ और उसके ऊपर चमड़ी चलती रहती है, आती है। तो ये उस यहाँ जहाँ कटा हुआ भाग था, उस भाग से अंदर से अपना वो खुराक पाया वृक्ष, तो धीरे 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 उस घाव को भरने की कोशिश किया। भरने के बाद जो बाहर आया तो वो घाव बगल से नहीं संपूर्ण हो पाया, वो हड्डी ही आ गई, जिसको हड्डी कहते हैं लकड़ी की, ऊपर से उसी खाल होती आ गई। उसी पीरियड में ये बरसात का महीना हो गया। बरसात के महीने में ये पेड़ पौधों या प्रकृति का स्वभाव होता है, तो उस पर पानी का जो प्रभाव पड़ा तो कुछ स्वतः ऐसा लेयर चढ़ जाता है। अब ऐसा लेयर चढ़ गया, वो एक देवी देवता की आकृति हो गई है, तो नीम की पूजा होती ही है।
तो पूजा उसकी आकृति की देवी की को मान्यता देकर कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन वह प्रदत्त एक वृक्ष के स्वभाव के अनुसार है। नहीं, जैसे कि हर पेड़ में कुछ न कुछ होता है, होता है, सबसे अलग हुआ है, अलग नहीं हुआ। किस पेड़ में कोई निश्चित नहीं रहता है किस प्रकार की उसकी हड्डी अपनी आकृति बना लेगी, कैसे लेयर उस पर चढ़ जाएगा, कब किस ऋतु में क्या होगा। देखिए, प्रकृति भगवान होती है, भगवान की पूजा हो रही है ना, हो रही, भगवान की पूजा और कुछ नहीं है, हो रही, बस केवल वो एक पेड़ की जो स्वभाव होता है उसके अनुसार उसकी संरचना हो गई, उसका प्लेस घाव था, इसे हमारे यहाँ पे घाव होता है, निशान बन जाता है, मनुष्य का ऑपरेशन होता है वहाँ। तो आप मतलब उनको क्या मान रहे हैं? देवी की असली में उसको देवी करके लोग मान रहे हैं, तो देवी ही मान। नहीं, जैसे कि मान पेड़ के वृक्ष की, नीम के पेड़ के वृक्ष की पूजा हुआ करती थी सदियों से, आज भी हो रही है। आकृति की पूजा, आस्था जिस चीज में, यह भारत भवन के लोग जिस चीज में आस्था रखते हैं वही आस्था ही विश्वास है, विश्वास ही पूजा है। अगर आस्था नहीं है तो विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है तो आस्था नहीं रख पाओ किसी में। इसमें देवी की आस्था लोग मान रहे हैं तो देवी की पूजा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो वही बताया। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है और लोग जगह जगह बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और सब अपने आस्था को, आस्था के हिसाब से दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।